वैसे सर अपनी कहानी के दो कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ तो अपने दिलीप और मोइनुद्दीन, आप भी कहाँ से निकाल के लाए सर इन हीरों को? इमरान, ऐसे लोग हमारे समाज में ही होते हैं, बस कुछ लोग इन्हें बाहर निकाल पाते हैं तो कुछ। अच्छा सुनो, कल हमारी जो टीम स्ट्रगलर फोर्स का गेट टुगेदर है उसमें एक लेडी डांसर की भी जरूरत है। बस इतनी सी बात सर, हो जाएगा। कैसे? मेरी फ्रेंड है जया, उसकी सिस्टर है खुशबू, उसने बताया था वो डांस करती है और बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसलिए सर मैंने उसे कल हमारा जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर इनवाइट कर दिया। और वैसे भी हमारे पास एक कार्ड एक्स्ट्रा था और डांसर की कमी पूरी करनी थी, एंड हो जाएगा। दैट्स गुड, तो फिर कल बुला लेते हैं उसको, मिल लेते हैं उससे भी। ओके सर, मैं निकलती हूँ, वैसे भी कल के इवेंट कुछ तैयारी बाकी है, एंड फिर मैं खुशबू को कॉल भी कर दूँगी, है ना सर? बाय सर। आखिर वहाँ डांस रूम में ऐसा क्या हुआ खुशी कि तुम इतनी परेशान हो? मेरी आंखों में देखकर बात करो खुशी, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? देख तुझे पता है तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती, तो प्लीज बता ना क्या हुआ। जया, मैं फाइनल तक पहुंच गई थी, मेरे साथ फाइनल में रोशनी भी थी, इवन मेरा डांस भी वैसा ही था, और तो और ऑडियंस भी मुझे ही विनर बता रही थी। लेकिन पता नहीं उस रोशनी के अमीर बाप ने जिसको ऐसा क्या दिया कि मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। मैं हार गई जया, मैं हार गई, मेरे सारे सपने टूट गए। नफरत हो गई मुझे ऐसे रियलिटी शो से जहाँ पे लोग अपने पैसों के दम पर विनर बन जाते हैं और हमारे जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। ओ, तो ये बात है। अरे इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ दूसरों को दबाना जानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सपने ही देखना छोड़ रहे। वैसे तेरे लिए गुड न्यूज है मेरे पास। अरे बता ना, मेरी अच्छी वाली सिर्स है ना? हाँ वो तो हूँ। अच्छा सुन, मैंने तेरे को एक बार श्वेता के बारे में बताया था। वो जो तुझे कॉलेज में मिली थी? हाँ वही। मैंने सुना है कि उनके जो बॉस हैं आशीष शर्मा, उन्होंने एक टीम तैयार की है। क्या नाम था उसका? हाँ, स्ट्रगलर फोर्स। स्ट्रगलर फोर्स, अजीब नाम है ना? हाँ नाम तो अजीब है पर काम बहुत अच्छा है। इस टीम में ऐसे लोगों को जगह दी है जिनमें टैलेंट तो बहुत है पर किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गए। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने श्वेता जी से तेरे बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया कि कल उनका गेट टुगेदर है जहाँ उनकी पूरी स्ट्रगल फोर्स मौजूद होगी। अगर तू चाहे तो वहाँ जा सकती है। रियली? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मेरी अच्छी वाली से। थैंक यू सो मच। अरे फ्रेंड्स, अपने देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ होगी। हम सबको मिला के का यार, हम सबको मिला के 125 करोड़ है क्या? 125 करोड़? नहीं नहीं, आई थिंक तो 125 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। 125 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद हम सब ओलंपिक में मेडल के लिए तरसते हैं यार, क्यों? यार ये सब तो चलता ही रहता है। पकड़ा कब है? ओए अपना सनी किधर है?
ओए मैं इधर हूँ। ओए कितनी बार कहा है तुम लोगों को, जब तक मैं नहीं आ जाता क्या इसकी चिंता नहीं करोगे? आ लाना बैठना, कहाँ बैठेगा ये सिर पर? ना मैं बैठूंगा ना तुम लोगों को बैठना दूंगा। नहीं तो क्या उड़ेगा हवा में? ओलंपिक के मेडल की बात करेंगे, मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल लाएंगे, सब मेडल एक साथ लाएंगे। ओए सनी बैठना यार तू। ओए क्या बात कर रहे हैं, देश की हालत तो बैठने जैसी हो रही है और तू मुझे बैठने की बात कर रहा है? मेरे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, वैसे आज का हर इंडियन स्ट्रगल करता है, इनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। ऐसे कौन से कदम उठाए जाए जिससे इनका स्ट्रगल अब तो खत्म हो? वैसे आपको पता है असल स्ट्रगल मतलब क्या? हर बार कोशिश करना जब तक कि वो मिल ना जाए, इधर उधर चक्कर काटना, एक आस लगाए रखना कि शायद ये जॉब हमें मिल जाए। क्या इनकी मेहनत में कोई कमी रह गई थी? जी नहीं, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो इनके कोशिश करने के तरीके में। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा होती है, कुछ ऐसा हुनर होता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि दूसरे इंसान में वो नहीं है, वो उनकी खूबी है, लेकिन उसी चीज को ये लोग नजरअंदाज करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जिस पे दूसरे लोग चल रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो आपका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। वो कीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, भले उसके लिए आपका परिवार आपका साथ दे या ना दे, भले कुछ लोग आप पर हंसे, लेकिन वो करके देखिए जो आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद भी परिवार आपका साथ देगा और वो लोग जो आप पर हंस रहे थे वो आपको सलाम करेंगे और सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों को मिलेगी, सिर्फ आप लोगों को। शाजी वो होनहार स्टूडेंट जो हर क्लास में 85 से ऊपर मार्क कलेक्ट करते रहे। आप हैं अमन, आज ये मातरगंज से लेके गिटार तक सब कुछ बजा लेते हैं। गौरव मेहरबानी जाते जाते मुझ पे गुजरता सा लम्हा एकदम भर गया, तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की। तो इनका हुनर तो आपने देख ही लिया होगा, उतनी ही प्यारी गिटार बजाते हैं जितने प्यारे ये गाते हैं। देवांग सोनी उभरते हुए एक बांसुरी वाले बहुत ही प्यारी फिल्म बजाते हैं। मिथिलेश और तरुण बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन जो स्नूकर की दुनिया में अपना नाम ऊंचा किए जा रहे हैं। अजय पारिक एक उभरते हुए बॉक्सर।
कृष्णा राकेश की जुगल जोड़ी, बहुत अच्छे डांसर। तो आप लोग हो वो टीम स्ट्रगलर फोर्स। खुशबू चौहान राइट। चलिए आज आपका डांस देख लेते हैं, माहौल भी है मौका भी है। अगर आज यहाँ नहीं रुके तो ये आशीष शर्मा आपसे कहता कि जिंदगी में कहीं नहीं रुकोगे। दिखाइए अपना कैरेक्टर, रेडी हैं आप? साउंड
मर जा तू बूंदे बन कर उड़ जा तू सपने बुन कर रोके तुझे क्या आंधिया क्या जमीन क्या आसमां उड़ जा तू सपने बुन कर उड़ जा तू सपने बुन कर मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर उड़ जा तू सपने बुन कर कुछ करके नया दिखाना है आंधी आए या हो तूफान बस मंजिल को तुझे पाना है गुम है कहाँ तेरे निशान ढूंढे तुझे सारा जहां